ले पापा। ता 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 हेलो स्वीटर, स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे मेरी भाभी काम कर रही थी और मैं वीडियो पकड़ पकड़ के इनको तंग कर रही थी, और ये है मेरी मम्मा जो हम दोनों मिलकर काम कर रहे थे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं क्योंकि मेरी भाई की शादी है और आज है हल्दी डे वन, और बाकी ब्लॉग भी बहुत जल्द आएगी। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। सारे काम निपटा के मैंने अपने लड्डू गोपाल को गोद में ले लिया क्योंकि यही मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट काम है। और मेरे गोद में आने के बाद ये अचानक इतनी एनर्जी कहाँ से आती है पता नहीं, इतना खुश हो जाता है। ता 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 ता। फिर मैंने मेरे सोना क्यूटी पाई को बिस्तर पे सुला दिया क्योंकि ये जितना जल्दी सोएगा मेरा सारे काम उतना जल्दी होगा। फिर मैंने इसको नहाने के लिए तेल लगा रही हूँ और बाकी काम बहुत जल्दी कर रहा है, मतलब भाभी लगा रही है और मैं इसकी ध्यान बटा रहा हूँ। शाम के सारे फंक्शन हो चुके हैं स्टार्ट। वहाँ हमारी सोना कितनी क्यूट लग रही है सब औरतों के बीच में साड़ी पहन के, क्योंकि वो बनी है, मतलब हमारी यह रिचुअल से एक दूल्हे की मम्मी एक दुल्हन की मम्मी बनती है तो वो दुल्हन की मम्मी बनी है। और साथ में सारी रिचुअल्स इतने प्यार से निभा रही थी और मैंने इसको साड़ी पहनाया पर तब मैं वीडियो नहीं कर पाई। और मेरी गले की हालत और पैर की हालत इतनी ख़राब थी भाई की हल्दी के दिन, मतलब पैर में आ गई थी मोच और गले की हालत तो उससे पहले शादी से ही ख़राब थी, वो तो आप लोगों को पता ही है। पर मैं थोड़ी डांस भी नहीं कर पाई, और पर रिसेप्शन में मैंने बहुत नाचा, वो ब्लॉग बहुत जल्द आने वाली है। और ये देखिए मेरा भाई आ चुका है, मतलब यहाँ पे उसको स्नान करवाया जाएगा। और मैं इसको लाइट पकड़ पकड़ के वीडियो कर रही थी क्योंकि इस जगह पे लाइट नहीं था, बहुत अंदर आया था। और मैं इसको चिढ़ा रही थी कि कहीं से तो दूल्हा लग भी नहीं रहा है, इसको देख के ये लग रहा है क्योंकि ये 21-22 साल का लड़का है। इसी बात पे हम सब हंसी मजाक कर रहे थे। सब नाच रहे थे और मैं वहाँ पीछे मुंह लटका के देख रही थी और सबको चाय बना बना के दे रही थी, मतलब मेरी अच्छी ड्यूटी लग गई थी क्योंकि मैं नाच भी नहीं पाई थी। और फिर मन किया तो एक डांस तो बनता ही है, और सब कैसे पागलों की तरह नाच रहे थे, मतलब बहुत इंजॉय कर रहे थे सब लोग।
डांस के बाद यहाँ पे शुरू हो चुकी है केक कटिंग, मतलब पहले फोटोशूट उसके बाद केक कटिंग, और डांस के बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मुझे देख के आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। और मैंने यह चादर ओढ़ लिया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं और दियोन पीछे खड़े होके देख रहे थे, मतलब हमने भी बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए पर इस टाइम पर हम लोग पीछे हो चुके थे क्यों पता नहीं। और रात को मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं कर पाई एंड तक। वीडियो बनाने नहीं पूछे तो फोटो डाली नहीं तो नहीं। यहाँ पे सोना अपने दो दादू को पकड़ पकड़ के हल्दी लगा रही थी, और बीच में मैंने भी अपने जीजा जी को हल्दी लगा दिया था। फिर मामा ने, मतलब मेरी मामा और उसकी दादू है, मेरी मामा ने इनको इसको इतना पकड़ पकड़ के हल्दी लगाया, पूरा मुंह येलो कर दिया था। और यहाँ पे केक कट हुआ ख़त्म और हल्दी भी हुई ख़त्म, और केक कट के बाद सब खाने बैठ चुके थे, और फिर दो तीन गाना हुआ रात के 1 बजे तक, और फिर हम लोग सब सो गए। ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ समाप्त, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दुआ में याद रखना, हर हर महादेव।